कटनी जिले के सलीमनाबाद थाना क्षेत्र अंतर्गत हरदुआ गांव में एक युवक की हत्या से सनसनी फैल गई। युवक की लाश गांव के ही प्राथमिक स्कूल में खून से लथपथ अवस्था में मिली है। वारदात की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पंचनामा कार्रवाई के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पुलिस हत्या का मामला दर्ज कर प्रकरण की जांच कर रही है। सलीमनाबाद थाना प्रभारी संजय दुबे ने बताया कि फिलहाल आरोपी के संबंध में कोई सुराग नहीं है। पुलिस ने बताया कि सलीमनाबाद थाना क्षेत्र के हरदुआ गांव निवासी विकास उर्फ छोटू पिता रतिकोल 22 वर्ष शुक्रवार शाम को घर से निकला था, लेकिन रात भर वापस नहीं आया और शनिवार सुबह जब सफाई के लिए सफाई कर्मी प्राथमिक स्कूल के पास पहुंचे तो एक युवक की खून से लथपथ अवस्था में लाश मिली। युवक के गले से निर्धारदार हथियार से हमला किया गया था और उसके पास काफी खून पड़ा हुआ था। लाश मिलने की सूचना पर मौके पर सलीमनाबाद पुलिस पहुंची। पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पंचनामा कार्रवाई के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। मृतक की पहचान आकाश कोल के रूप में की गई। पुलिस ने अज्ञात आरोपी के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर लिया है। आरोपी की तलाश की जा रही है। क्या नाम? मेरा नाम विनोद गौटिया, मैं पूर्व जनपद का उपाध्यक्ष हूँ और यहीं सलीमनाबाद का निवासी हूँ। ये घटना हो गई, इसके बारे में क्या कहना है? ये घटना का पूरा दारोमदार पुलिस के ऊपर, प्लस जो अवैध तरीके से शराब बिक्री, जुआ सट्टा ये सब चल रहा है, सारा कारण यही है। हरदुआ गांव में ही केवल कम से कम 6 से 7 जगह अवैध शराब बिकती है और जो ये मार्च के महीने में जो ठेका चेंज हुए हैं तो इसमें उनको स्टॉक खत्म करना, किनको? शराब ठेकेदारों को। तो उस चक्कर में शराब भी बहुत कम से कम कीमत में मिल रही है और कारण वही है, जो एक क्वार्टर पीने वाला आज 4-4 क्वार्टर पी रहा है, बस यही लड़ाई झगड़े और जुआ सट्टा सब चल रहा है। ज्ञापन यहाँ पर सौंपा आपने कहीं SDM तहसीलदार कलेक्टर को? अभी ज्ञापन तो कहीं नहीं सौंपा, अभी कल भी शाम को टिकटे में 2-3 झगड़े हुए, सारा कारण वही शराब ही था। किसी को फोन में जानकारी दी SP कलेक्टर थाना TI? अभी जानकारी किसी को नहीं दी, अभी जस्ट ये थाने के सामने पुलिस को जब बताया जाता है कि शराब यहाँ पर बिक रही है तो पुलिस बोलती है सबूत दो। जब हम अगर पुलिस को सबूत दे देंगे तो पुलिस क्या करेगी? झक मारेगी? पुलिस का काम है कि जनसेवा करना, तो पुलिस तो पैसा लेके बैठ जाती है, अवैध काम कराती है, ये सारा पुलिस का काम है ढूंढना। भाई क्राइम को पुलिस रोकेगी कि पब्लिक रोकेगी? पब्लिक सर्वेंट है पुलिस। बस ठीक है, इतनी तो पर्याप्त। मैं हरदुआ निवासी हूँ। ये जो आज की घटना हुई है जी, ये कौन सा? ये मेरे चाचा का छोटा लड़का था, मेरे से छोटा था, समथिंग उम्र 22-23 साल रही होगी इनकी। अच्छा, अभी कुछ समझ में आया कि ये घटना किस कारण से हुई है? सर इसका तो कोई जानकारी नहीं, हम लोग काम से आए थे, अब हम लोग दूर ही रहते हैं। अच्छा, मोहल्ला बहुत काफ़ी दूर हो जाता है। कारण है दारू के, जो मोहल्ले में घर घर का दारू बिक रही है, इसकी कार्रवाई की जाए। वही तो बात है। तुम आज जो ये मर्डर हुआ सर, इसके विषय में? आज सुबह ये सूचना प्राप्त हुई करीब 9 बजे के आसपास, जिसमें सूचनाकर्ता रतिराम पिता भद्दी कोल है, ये हरदुआ बस्ती है सलीमनाबाद थाने में, वहाँ का रहने वाला है। उसके द्वारा बताया गया कि उसके तीसरे नंबर का लड़का विकास उर्फ छोटू, जो रात में गांव में गया था और जो सुबह तक नहीं आया था, जो उसे जानकारी प्राप्त हुई कि आंगनबाड़ी के समीप उसका शव रक्तरंजित हालत में पड़ा हुआ है, जो इस सूचना पर थाना सलीमनाबाद में अज्ञात आरोपी के विरुद्ध धारा 302 बादाबी का अपराध पंजीबद्ध किया गया है और विवेचना में लिया गया है। अपने आसपास की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए हमारे चैनल पुलिस ब्यूरोक्रेट्स न्यूज को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करें, जिससे आपको हर खबर समय से मिलती रहे। अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क करें, हमारे कॉन्टैक्ट नंबर है 9039011886 एवं 9770229999।